है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है 339 के। ठीक है, उसके लिए 339 को यहाँ पे लिखें, फिर लास्ट डिजिट चेक करें 9 है। ठीक है, हम जब फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग देखेंगे कि 2 यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है कि 2 लेने के लिए लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो हमारे पास तो 9 है, इसका क्या मतलब इनमें से कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, अब 3 के लिए क्या रूल होता है, 3 फैक्टर यहाँ पे लेने के लिए हमने डिजिट्स को प्लस करना है। प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है तो आप यहाँ पे 3 फैक्टर लेने, अदरवाइज 3 भी नहीं लेंगे। ठीक है, 9 में 3 प्लस करें क्या आ जाएगा, 12, 12 में 3 प्लस करें तो क्या आ जाता है, 15। ठीक है, तो हमारे पास 15 आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, सम करके प्लस करके कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल में आ रहा हो तो हमने यहाँ पे 3 फैक्टर ले लेना है। तो हमारे पास सबको सम करके प्लस करके 15 आया, तो 3 के टेबल में 15 आता है, यस आता है, इसका क्या मतलब हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं। 3 के टेबल में 3 का आंसर आता है 1000, 3 के टेबल में 3 आता है 1000, 3 के टेबल में 3 9000। ठीक है, 3 3000, 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9 आ गया। ठीक है, हमारे पास आ गया 113। अब आप चेक करें कि हम यहाँ पे 3 फैक्टर दोबारा से ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके लिए आप देखें कि हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, 4 में 1 प्लस किया 5 आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपने 3 फैक्टर के लिए देखना ये है कि जो नंबर आए प्लस करके वो, ठीक है, 3 के टेबल में आ रहा हो, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता, इसका मतलब 3 फैक्टर भी यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, 5 फैक्टर लेने के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास तो 3 है, तो हम यहाँ पे 5 फैक्टर भी नहीं ले सकते। 7 के लिए हमारे पास क्या होता है रूल, कि हमने लास्ट डिजिट को प्लस करना है, प्लस करके जो आएगा उसमें से 11 को माइनस कर देना है। 3 में 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 में से 11 कट करेंगे तो 5 आ गया, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, इसका तो 7 भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हमने देखा ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 के टेबल में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ये फिर किसी और के टेबल में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 113 क्या आ जाएगा, 113 प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 339 के 3 × 113। ठीक है, तो इस तरह प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 339 के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।